चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कि या तो मरेंगे या अधिकार लेंगे। हमारा पंजाब भी तो पहुंच गया, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जिस दिन यहाँ से हुंकार भर दिया जाएगा पूरा हिंदुस्तान वहां मिलेगा आपको। ये तुम्हारी छाती पे ट्रैक्टर ही चलेगा। कि आज हमारी यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर में जो भी निर्णय लेगी, वो चाहे जो निर्णय हो, फिर हमें पीछे नहीं मुड़कर देखना। और हम तो अपने पदाधिकारियों से भी कह रहे कि निर्णय ठोस और एकदम पक्का होना चाहिए। हम तो लिख चुके हैं अपना कि या तो मरेंगे या अधिकार लेंगे, और कोई काम हमें नहीं है। सरकार 17 बार बापा के टाइम में भेज चुकी ताऊ को, और पतना भेज दी ना। मैं कह रहा सरकार जेल हमारी ससुराल है तो करे, ताऊ को ससुराल नहीं भेजेंगे। भाई क्रांतिकारियों की जो ससुराल होती है वो जेल होती है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो निर्णय आए आज यहां से कुछ ना कुछ निर्णय लेके उठना। 13 महीने तक आंदोलन करके उन तीनों कानूनों को वापस कराया था, वो पल याद करने की आज जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ और धोखे को हम जेल तक चले आ रहे हैं। हम अपने 700 शहीदों के लिए उन्हें आज याद करने का वक्त आ गया है। जय जवान, जय किसान, भारत माता की। सरकार जिसकी है वे मनमानी तो करेंगी, वे मनमानी कर रहे, करण दो। हम किसान हैं, हमारी दिल्ली हमारी, हम जाएंगे, दिल्ली दूर नहीं है यहाँ से, दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। जैसे टिक्का साहब ने कहा दिल्ली दूर नहीं है, तुरंत पहुंच जाएंगे। किसान के किसी के भी लाठी लग गई या कोई बात हुई तो कार्रवाई होगी किसान की तरफ से, जैसे पुलिस करती है ना कि कार्रवाई करेंगे हम, धारा 140 लगाओगे, हम भी अपनी कार्रवाई करेंगे। फिर 80% हिंदुस्तान के अंदर किसान है, फिर भी जब इनके चुनाव आते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, अखबारों में लिखा जाता है कि अन्नदाता, अन्नदाता को दुखी नहीं होने देंगे, अन्नदाता को ये सुविधा देंगे, कर्जा माफ़ी करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, नौकरियां देंगे किसानों के बच्चों को, उनको सही रेट के वाजिब दाम मिलेंगे और सही गन्ना पेमेंट होगा, सही टाइम पर होगा। पर लेकिन धरातल पर जब सरकार बन जाती है सब झूठे वादे हो जाते हैं। जो जो सरकारें आईं और किसानों पर अत्याचार हुआ, वह सरकार नहीं रही, ये इतिहास है। मुगल भी भाग गए, ब्रिटिश भी भाग गई, कांग्रेस भी भाग गई, अब बीजेपी भी भागने का नंबर है। आज कुछ फैसला होगा, कुछ इशारा मिलेगा। 13 महीने से हमारा तो आंदोलन स्थगित था, हमने खत्म नहीं करा था, हमारा आंदोलन तब भी चल रहा है। किसने कह दिया कि हम लोग वहाँ से आगे, अभी तक तो हमारी आस और सारी चीजें वहीं है। क्योंकि हरियाणा पंजाब दोनों पहुँच रहे हैं दिल्ली। हरियाणा पंजाब भी तो पहुँच गया, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जिस दिन यहाँ से हुंकार भर दिया जाएगा पूरा हिंदुस्तान वहाँ मिलेगा आपको। देखा सब आंखें मतलब गड़ी हुई है, एक भी किसान को अगर लाठी और ये आंसू के लिए कोई भी अत्याचार किया गया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भाई, घरों बैठ का काम नहीं चलने का, तुम नु सोचते हो भाई घरों बैठ का थारा काम चल जाएगा, चलने का नहीं। या तो मन में तो काट ही दियो, कितने आदमी छोला छोल रहे इनके ठेकेदार, और ताश बजे थाली रहे जो किसी को कह रहे भाई वहाँ चलो, कहना टीम नहीं। यू पंजाब वाला हरियाणा वाला मामला चल रहा, हम किसानों के साथ है, कोई वो नहीं, कोई मन में तो काट दियो बात भाई। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती, ये अटल बिहारी की सरकार होती, ये अडवाणी की सरकार होती,
तो वो सरकार हमारी बात मानती। वे गांव से चुन के गए थे। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, उस गैंग का कब्जा हो गया है देश में, लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होगा और वहां पर प्रदर्शन करेंगे एक दिन का, ट्रैक्टर से जाएंगे। उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का, दो दिन का, ये एसकेएम को हम देंगे कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पर होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है, हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगाकर वहां तक खड़े होंगे। अगर आप डरे तो ये सीधा जो आज पंजाब बॉर्डर पर हुआ है, कल इस गांव के बॉर्डर पे होगा। आपने भी देखा है 2008 में जब सरकार हमला करती है तो सीधी गांव पे भी हमला करती है। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा का कहता है कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी छाती पे ट्रैक्टर ही चलेगा। अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखना। हम 21 तारीख में भी दिखाएंगे और 26 और 27 तारीख की रात में भी दिखाएंगे।